स्वागतम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जब राहु आपकी कुंडली के सातवें स्थान पर आता है तो किस तरह के फल देता है। दोस्तों उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों राहु एक शेडो प्लैनेट है यानी कि छाया ग्रह। दोस्तों वो ग्रह नहीं होता है, वो छाया की तरह होता है। अगर वो किसी प्लैनेट के साथ बैठा होगा तो वो प्लैनेट की तरह ही फल देता है। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर वो राहु के साथ सन बैठा है या मून बैठा है या सैटर्न बैठा है या कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसका फल उस प्लैनेट की तरह देगा। लेकिन जब राहु अकेले बैठता है तो वो अपने चरित्र अपने कैरेक्टर के हिसाब से फल देता है। दोस्तों राहु और केतु को एक कार्मिक ग्रह कहा जाता है। यानी कि जब राहु और केतु किसी भी हाउस में बैठते हैं इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में वो पहले हाउस में बैठा है तो आपकी कुंडली के पिछले जन्म में जो पहले हाउस का सुख नहीं मिला था आपको, इसीलिए इस जन्म में राहु पहले स्थान में बैठा है ताकि वो इस जन्म में उस तरह के फल को एंजॉय कर सके या सुख को ले सके। दोस्तों राहु रिप्रेजेंट करता है माया, शॉर्टकट, ऑब्सेशन। यानी कि लाइफ में कोई भी चीज़ को पाने के लिए राहु किसी भी हद तक जा सकता है। राहु किसी उस हाउस के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस होता है, वो आपको एक इल्यूजन देता है कि मुझे ये चीज़ पाना है और किसी भी तरह पाना है। तो जब राहु कोई भी चीज़ को पाने के पीछे पड़ जाता है तो वो शॉर्टकट लेता है, वो कोई भी रूल्स सोसाइटी के फॉलो नहीं करता, उसे जो चीज़ चाहिए होता है वो लेके रहता है। दोस्तों सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिज को, लीगल पार्टनरशिप को, बिजनेस पार्टनरशिप को, कोर्टशिप को सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है लीगल पार्टनरशिप को, बिजनेस को, ट्रेड को, और राहु रिप्रेजेंट करता है आपके सेल्फ ऑब्सेशन को, शॉर्टकट को और ईजीएस्ट वे टू सक्सेस अचीव करने के लिए। तो जब राहु सातवें स्थान पर आके बैठता है तो सातवां स्थान सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आप पब्लिकली किस तरह से पब्लिक में फेमस हो या किस तरह से बात करते हैं लोगों से या लोग कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आपके बारे में, वो सोशल लाइफ करता है रिप्रेजेंट। तो जब राहु सातवें स्थान पर आके बैठता है तो ऐसे जातक बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बात करने में बहुत क्लेवर होते हैं, इन्हें पता है होता है किस तरह से किससे इंटरेक्ट करना है। क्योंकि सातवें स्थान से राहु की पांचवी दृष्टि ग्यारहवें स्थान पर पड़ती है और ग्यारहवां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके सोशल नेटवर्क को। तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल गेन होता है जब वो पब्लिकली कोई बिजनेस करते हैं या मार्केटिंग में या सेल्स में अगर उनकी बिजनेस है तो ये लोग बहुत ही अच्छा डील करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी और ये कोई भी डील आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों सातवें स्थान से राहु की नौवीं दृष्टि दूसरे स्थान पे होती है और दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके सेविंग्स को, आपके वेल्थ को। इसीलिए जब राहु सातवें स्थान पर आके बैठता है ऐसे जातक बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा वेल्थ अक्वायर कर लेते हैं आसानी से, और इसके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और राहु की जो सेल्फ ऑब्सेशन की प्रवृत्ति है उसके कारण ये लोग बिजनेस में विदाउट अचीविंग लाइफ में जो उनका गोल होता है छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए ये बहुत स्ट्रांग और अच्छा योगा है बिजनेस के लिए। अगर साथ साथ में अगर शनि भी तीसरे स्थान पर बैठा हो तो ऐसे जातक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं और लाइफ में जो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। दोस्तों सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लीगल पार्टनरशिप को, आपकी मैरिज को। वहीं राहु रिप्रेजेंट करता है सेल्फ ऑब्सेशन को और राहु की सेवन्थ हाउस में बैठ के उसकी सातवीं दृष्टि पड़ती है पहले स्थान पर और पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपको, आपके बारे में। इसीलिए ऐसे जातक सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं। दोस्तों राहु का सातवें स्थान पर आके बैठना बिजनेस के लिए तो अच्छी पोजीशन है, वेल्थ अच्छा करते अक्वायर कर लेते हैं ये लोग, लाइफ में लग्जरी और पैसे कमा लेते हैं, लेकिन इनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, वो सही से नहीं चलती है। और उसका रीज़न ये होता है कि राहु की पाँचवीं दृष्टि 11th हाउस में पड़ती है और 11th हाउस डिफाइन करता है आपके सोशल नेटवर्क को, साथ ही 7th हाउस डिफाइन करता है आपके बिजनेस को। तो ऐसे जातक के बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं ड्यू टू देयर बिजनेस एंड सोशल स्टेटस, और ये लोग
जो इनका नेचर होता है सेल्फ ऑब्सेस नेचर, अपने बारे में सोचना, इसकी वजह से इनके बहुत सारे रिलेशन बनते हैं और टूटते रहते हैं। बट आफ्टर मैरिज ऑल्सो अगर राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, वीक है, साथ में शनि की दृष्टि है और अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कर लेते हैं, क्योंकि जो राहु राहु वाले जो जातक होते हैं सेवन्थ हाउस में, जब वो शादी करते हैं तो उनके पार्टनर से उनकी मेंटालिटी मैच होती नहीं, बिकॉज़ उनके पार्टनर भी उन्हीं की तरह होते हैं, वो भी कनिंग और स्मार्ट होते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके पार्टनर उन्हें सब कुछ दें, ना कि वो कुछ दें। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं बनता है तो फिर दोनों में डिस्प्यूट होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके वजह से वो अपने मैरिड लाइफ से बोर हो जाते हैं और फ्यूचर में फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या अदर रिलेशनशिप के ओर जाते हैं। अगर राहु की पोजीशन अच्छी है, उस पर गुरु ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे जातक की मैरिड लाइफ कुछ हद तक ठीक होती है और मैनेजेबल होती है। लेकिन अगर राहु खराब पोजीशन में विनस से पीड़ित है, तो ऐसे जातक के बहुत सारे मैरिटल अफेयर्स होते हैं या बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं और टूटते रहते हैं, तो इनकी मैरिड लाइफ स्टेबल होती नहीं है। दोस्तों यह था मेरा एनालिसिस राहु इन सेवेंथ हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।